And today we are going to learn more about Adobe Premiere Pro 2023 15 new feature Adobe AI को use करते हुए आप अपने editing workflow को 10 time fast कर सकते हैं। जी हाँ, जहाँ पे आप एक या आधे घंटे में वही सेम काम जो आप 10 घंटे में कर रहे थे वो आप आधे घंटे में कर सकते हैं। चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सीन एडिट डिटेक्शन। एडिट सीन डिटेक्शन से मुराद ये है कि आपके पास जो वीडियो है उसमें बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं। अगर मैं उन कट्स को खुद जाके एक एक कट को ढूंढूं और मैनुअल कट लगाऊं तो वहाँ पे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। एक एक कट ढूंढूं और कट लगाऊं, सिंपल आपने राइट क्लिक करना है वीडियो के ऊपर और यहाँ पे आप देखें सीन एडिट डिटेक्शन, तो आप इस पर क्लिक करना है और अब आपको पूछेगा कि आपने कट तो लगा दिया, ठीक है, नेक्स्ट आपने बिन बनानी है। उसके बाद मार्कर, जहाँ जहाँ कट लगाएगा वहाँ वहाँ मार्कर ऐड कर देगा। अगर आपने लगाने हैं तो आप इसको टिक मार्क कर दें, अदरवाइज आपकी मर्जी है। मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मार्कर मार्क भी चाहिए। और लेट्स डू, देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे कट्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। अगर मैं खुद इसको ढूंढ के लगाता तो मेरा तो एक घंटा यहीं पे बाहर था। वही काम उसने कुछ सेकंड्स में कर दिया। और यहाँ पे देखें कि मेरे सारे क्लिप एक अलग से फोल्डर में बन के आ गए। लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो इसको जैसे मर्जी यूज़ कर लूँ, इसमें मैं ट्रांजिशन ऐड कर दूँ या इसमें से कुछ क्लिप जो मुझे नहीं पसंद सिंपल मैं उनको डिलीट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो नेक्स्ट हम जब फीचर के बारे में बात करने वाले हैं, हम हैं रिमिक्स टूल एक्सटेंड करें। इसको आप सिंपल आपने इस टूल पे जाके अपनी म्यूजिक को ड्रैग करना है सिंपल, थोड़ा सा और बस इतना। देखिए यहाँ पे उसने म्यूजिक को खुद ही एडजस्ट कर दिया उसके मुताबिक, वीडियो के मुताबिक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है ऑटो वॉइस सिंक। एक अच्छे माइक की है और एक जो है बुरे माइक की वीडियो है, तो आपने दोनों को सिंक करना है। जैसे कि आप खुद जाके मैनुअल एक एक वो इसको सुने और इसको आगे पीछे करें, आप सिंपल दोनों ट्रैक को करें सिलेक्ट और यहाँ पे सबसे ऊपर सिंक्रोनाइज इस पर क्लिक करें। कुछ भी नहीं करना, ओके कर देना, नहीं सही वॉइस आपकी ऑटोमेटिकली सिंक होगी है वीडियो के साथ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑटो रीफ्रेम कह सकते हैं, ऑटो रीफ्रेम डिटेक्शन कह सकते हैं। अब ये ज़्यादातर काम आती है आपके पास की वीडियो पोर्ट्रेट है तो आप उसको लैंडस्केप में करना है। अगर आपके पास लैंडस्केप है तो आपने उसको पोर्ट्रेट में करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे मेरे पास वीडियो है कि अब इसमें मैंने काफ़ी एडिटिंग कर ली, फाइनल कर ली। करने के बाद मैंने मुझे कि चाहिए एक शॉट की शक्ल में, तो मैं क्या करूँगा सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर सीक्वेंस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है ऑटो रीफ्रेम सीक्वेंस, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आपने एस्पेक्ट रेशियो क्या देनी है, आपने करनी है सिलेक्ट 9.16। बेसिकली ये रेशियो होती है शॉट की। आप उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्लिक क्रिएट सी। हेलो, यहाँ पे देखें कि मेरी वीडियो आधी कट गई है, मेरा फेस आधा आ रहा है, लेकिन अभी AI इसको इन्हेंस कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे राइट साइड पे एक बार चल रही है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक मेरी वीडियो जो है वो नहीं होती। अब देखिए आपके सामने वीडियो मेरी ऑटो रीफ्रेम हो गई है, मतलब जो मेरा वीडियो का फेस था वो ऑटोमेटिकली वीडियो के सेंटर में आ गया। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग। ये भी बहुत अच्छा टूल है, Adobe Premiere Pro में आया है टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग। अब सबसे पहले मेरे पास वॉइस है, अब इसका जो सबसे अच्छा फीचर है वो ये है कि आपकी जो वॉइस है उसके मुताबिक आपको एक स्क्रिप्ट में जनरेट करके देता है। आपको आपने जाना है ट्रांसक्रिप्ट में, आपने सिंपल क्लिक करना है ट्रांसक्राइब। अब आपकी जो वीडियो है उसमें आप जो चीज़ बोल रहे हैं वो उसकी एक अलग से ट्रांसक्रिप्ट आपको बना के दे देगा, मतलब आपकी वीडियो में जो बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आती है मतलब की बात कि आपने जैसे कि वीडियो के अंदर जाके अपनी वीडियो की एक एक चीज़ सुने और फिर एडिट करें, आप सिंपल स्क्रिप्ट को एडिट कर दें आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगी।
आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपकी वीडियो को टेक्स्ट की शक्ल में इसने कन्वर्ट कर दिया। सिंपल आपने करना कि आपने सबसे पहले तो देखना कि मैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स को डिलीट करना चाहता हूँ, आपने वो वर्ड सेलेक्ट करने हैं। करता हूँ यस वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट, ये देखिए मैंने यहाँ पे जैसे कि यस सेलेक्ट को वर्ड्स को यहाँ पे टाइमलाइन भी सिलेक्ट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी टाइमलाइन सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपकी वीडियो में बहुत सारे गैप्स होते हैं, जो भी आपकी वीडियो में साइलेंस होगी वो फोर डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने करना क्या, आपने सिंपल फोटोज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर सबसे एक्सट्रैक्ट इसका आपने ख़त्म कर देना है। अब देखें यहाँ पे जो जादू होगा वो ये होगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे वो साइलेंस ख़त्म हो गया बीच में से और वीडियो उसने साथ जोड़ दिया ऑटोमेटिकली। सेम ऐसे आप अपने वीडियो के अंदर से साइलेंस जितनी भी हैं ख़त्म कर सकते हैं। आप साइलेंस रिमूव कर सकते हैं, आप जो वर्ड्स आपने स्क्रिप्ट में बोले हैं आपको पसंद नहीं है आप उनको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, अगर स्पेलिंग सर ठीक नहीं है तो आप उसके बाद आप उनको डिलीट कर सकते हैं और मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर था जो मुझे बेहद पसंद आया था। मेरी वीडियो में बहुत दफ़ा मैं खामोश हो जाता हूँ, बोलता नहीं हूँ, बीच में साइलेंस आ जाती है, तो वो मैं इसी के थ्रू एडिट कर सकता हूँ उसको। नेक्स्ट फीचर है Adobe Intro का, वो है ऑटो अलाइन। चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। मैं आपको बता दूँ कि लास्ट टाइम जो इसके ओल्डर वर्जन में ये ऑप्शन नहीं आती थी, आप टेक्स्ट को अलग से मतलब सेपरेटली आपको इनको अलाइन करना पड़ता था, लेकिन अब आपने इनको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जानना है जैसे ग्राफिक्स में। और यहाँ पे देखें अगर सिंगल को करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं आ रही लाइन के लिए, सिंगल करूँगा तो कोई भी ऑप्शन नहीं आएगी लाइन में की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो जो आप इसको करेंगे सिलेक्ट ऑल, तो यहाँ पर देखें अलाइन टू वीडियो फ्रेम, अलाइन टू वीडियो फ्रेम एज ग्रुप, अलाइन टू सिलेक्शन, आप इसको इजीली अलाइन कर। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है Adobe Premiere Pro का वो है ऑटो ट्यून, मतलब आपकी वीडियो को आपकी पिक्चर को वो ऑटो इन्हेंस कर देगा, कलर ग्रेड कर देगा, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा ल्यूमिट्री कलर्स में और उसके बाद बेसिक करेक्शंस में। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑटो सिंपल आपने क्लिक करना है और मैजिक उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है कलर चोरी सीलिंग कर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई आपको कोई मूवी पसंद है हॉलीवुड की, उसमें बहुत अच्छी तरह से कलर ग्रेड में आप चाहते हैं कि वैसा सेम कलर मेरी वीडियो में आ जाए, तो आपने करना क्या है सिंपल उस मूवी के फ्रेम को, एक फ्रेम को अपनी वीडियो के एंड पे ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे कलर्स एंड वीव्स, यहाँ पे आपने सामने ऑप्शन नज़र आ रही होगी आपको कंपैरिजन व्यू, इस पर क्लिक करना है और आपने इस पॉइंटर को लेके जाना है बिल्कुल एंड पे, यहाँ पे जब ये फ्रेम आ जाए मूवी का। सिंपल आपने क्लिक करना है अप्लाई टू मैच, 3 2 1 यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक उसने मैच कर दिया है। और बेसिकली ये 100% सेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं एक कमरे में बैठा हूँ और जो सीन मैंने लिया है वो आउटडोर का है, इंडोर का नहीं है। तो आपने ये कोशिश ये करनी है कि जब आपने कलर ग्रेड करना हो किसी का चोरी तो आपने सिमिलर सीन लेनी है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टूल, लास्ट फीचर में मैंने आपको बताया था कि आपकी वीडियो से वो ऑटो ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर देता है और उसी ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू आप अपनी वीडियो के सब टाइटल्स भी एंड कैप्शन भी जनरेट कर सकते हैं। सिंपल आपने जानना है विंडोज टैक्स, यहाँ पे इसमें ट्रांसक्रिप्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्ट जनरेट की हुई है, तो पहले मैं इसमें से जो स्पेस है वो डिलीट कर दूँ, ये थोड़ी सी स्टार्टिंग पे भी है स्पेस खत्म का कैप्शन में, और क्रिएट कैप्शन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट इस पर क्लिक करना है आपने, उसके बाद जी हाँ सब टाइटल्स ही चाहिए क्रिएट कैप्शन मैचिंग सी। आपके सामने हमारी वीडियो में ऑटो कैप्शन भी जनरेट हो चुके हैं। Hey, how are you? Today we are going to learn। आप इनको अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एसेंशियल ग्राफिक्स में जाके भी चेंज कर सकते हैं, आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं,
टोटल कस्टमाइज कर सकते हैं, आप आप इनके पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं, बैकग्राउंड की पैस्टी को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका साइज, इनका साइज कर सकते हैं छोटा बड़ा। मज़े की बात यह है कि अब आप एक का करेंगे तो सबका हो जाएगा कलर। इसके बाद Adobe ने कुछ चेंजेस किए हैं इसके इंटरफेस में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको इंपोर्ट का बटन नज़र आ रहा है, उसके साथ एडिट का, उसके साथ एक्सपोर्ट का। तो इंपोर्ट में क्या होता है, आपके पूरा पीसी, आपका सारे के सारे ड्राइव यहाँ पे शो रहती हैं, आप इधर को एक्सेस कर सकते हैं और फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, बुकमार्क भी कर सकते हैं यहाँ पे, और आप ऑटोमेटिकली अपनी जो इंपोर्ट आपने फाइल करनी है उसकी अलग से बिन बन जाएगी, अलग से आप सीक्वेंस बन जाएगी, उसका नाम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और एनेबल लैंग्वेज आउटपुट डायरेक्शन, इससे ये मुराद है कि आपकी जो वीडियो होगी उसमें आप जो चीज़ बोल रहे हैं उसकी ऑटो जो है लैंग्वेज डिटेक्ट हो जाएगी। अगर आप कुछ बोल रहे हैं इंग्लिश में तो उसकी वाल कैप्शन बन जाएगी ऑलरेडी, उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो बनाई थी वो खुद बन जाएगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो है एडिट, इसमें आप आपका जो वर्क स्पेस है, आप जहाँ काम करते हैं वो सारा यहाँ पे शो होता है। उसके बाद एक्सपोर्ट, ये अच्छी चीज़ है जो मैंने यहाँ पे दे दिया है। एक्सपोर्ट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, आप देखें यहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं, फाइल की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, प्रीसेट जो दिए हैं ऑलरेडी, फॉर्मेट, वीडियो कोडेक, बाकी सारी चीज़ें। उसके अलावा आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट के साथ साथ अपने सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब पर चैनल किया हुआ है टैच, आप देखें यहाँ पे मैंने इसमें किया हुआ ऑलरेडी, देख ये देख, मैं जैसे ही वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ साथ ही वो मेरे चैनल पे अपलोड हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये अच्छी चीज़ है कि अपलोड नहीं करने का टाइम बच जाता है हमारा। टाइटल यहाँ पे लिख दें, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दें, आप प्राइवेट करना है प्राइवेट कर दें, पब्लिक करना है पब्लिक कर दें, अपनी मर्जी है वो। आप थंबनेल भी यहीं से लगा सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर, उसका भी टाइम बच जाएगा आपका। उसके बाद जो Adobe ने फीचर दिए हैं न्यू, उनमें से जो सबसे अच्छा है, सारे ही अच्छे हैं लेकिन जो और थोड़ा सा अच्छा है वो ये है कि आपको बने बनाए प्रीसेट्स, म्यूज़िक के प्रीसेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए का मोड चेंज कर सकते हैं जिस तरह के चाहिए, जनरल चेंज कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं कितना लंबा हो म्यूजिक, ड्यूरेशन कितनी हो, एपिक हो, फिल्टर लगा के सिंपल आपने म्यूजिक सेलेक्ट करना है, ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे। अब ड्रैग करने के बाद ये म्यूजिक आपकी हो जाएगा शो प्रोजेक्ट फाइल में। यहाँ पे देखिए आ रहा है, यहाँ पे एक कार्ड की ऑप्शन आ रही है, आप इस पर क्लिक करके इसके राइट्स परचेज कर सकते हैं Adobe से। कुछ म्यूजिक होंगे जो फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे, तो आपने आपको देखना है कि मैंने फ्री वाले यूज़ करने हैं या पेड वाले, वो आपकी अपनी मर्जी है। एसेंशियल ग्राफिक्स में Adobe स्टोर में बने बनाए टेम्पलेट्स, टाइटल टेम्पलेट्स, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, और उसके साथ जो है टेक्सचर्स, ट्रांजेक्शन टेम्पलेट्स, मतलब बहुत से आपको स्टॉक टेम्पलेट्स फ्री में दे रहा है। आप इनको यूज़ करके अपनी वीडियो की क्वालिटी को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक बात के अभी Adobe के न्यू फीचर्स का, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं Adobe का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो 2023 विद AI, इसका कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत करीब बेसिक टू एडवांस सिखाऊँगा Adobe प्रीमियर प्रो A to Z, सारा बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं होंगे उसके, सारी वीडियो बेसिक लेके एडवांस तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा, टेक केयर।